खबरों में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीनेशन 2 करोड़। कोरोना वैक्सीनेशन में देश भर में राजस्थान ने मान बढ़ाया है। चिकित्सा विभाग की मेहनत से लाभार्थियों को 2 करोड़ डोज दी जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा और चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन, निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला PD, तो वहीं डॉक्टर रघुराज सिंह के सतत प्रयास का ही ये परिणाम है कि राजस्थान ने वैक्सीनेशन के अभियान में एक बार फिर से मान बढ़ा दिया। कल तक लाभार्थियों को 1,97,88,707 डोज अब तक लग चुकी है। प्रदेश भर में आज सुबह के सेशन में अब तक 2 लाख डोज लग चुकी है और इसके साथ ही लाभार्थियों की डोज का आंकड़ा अब 2 करोड़ के पार पहुंचा। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट में भी राजस्थान ने मान बढ़ाया और अब वैक्सीनेशन के अभियान में भी राजस्थान ने सबसे आगे आकर मान बढ़ा दिया। बिल्कुल ज्योति, आप सही कह रहे हैं। राजस्थान कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान ने पहला पायदान, कोरोना वैक्सीनेशन राजस्थान लगातार कीर्तिमान रच रहा है। हम बात करें पिछले 2 घंटे की, तो राजस्थान में जो कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान इतनी राजस्थान में जो लाभार्थियों को डोज है वो 2 करोड़ पहुंच गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में टीम मेडिकल जो है वो उसे पूरी ताकत झोंक रखी है इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन में, क्योंकि अब सबको पता है वैक्सीनेशन कोरोना का बचाव का महत्वपूर्ण हथियार माना जा रहा है। इसी को देखते हुए लोगों में उत्साह है, चिकित्सा विभाग का जागरूकता उसके भी असर दिख रहा है। आज जो राजस्थान में लाभार्थियों की डोज की संख्या और 2 करोड़ पहुंच गई है, और इसमें खास बात यह है कि करीबन 1 दर्जन के आसपास जिले ऐसे हैं जहां पर हमने डोज को बचाने में भी बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है। वहां पर माइनस के अंदर डोज का वेस्टेज जो है वो दर्ज किया गया, जो कि अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल विकास, स्वास्थ्य विभाग की ही मेहनत रंग लाई है कि जिस तरह से दूसरी वेव अब दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, और चूंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है, ऐसे में इतने लोगों को वैक्सीनेट करना एक बड़ी उपलब्धि है। और ये भी मान लिया जाए कि राजस्थान की सरकार तीसरी वेव के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान की सरकार ने तीसरी वेव के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। हम आप पूरे राजस्थान के जो अधिकारी हैं उन सभी के VC लेकर के पूरा एक प्लान जो है उस पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर जो थर्ड वेव है उससे निपटने की क्या क्या तैयारियां, एडवांस तैयारियां की जानी है, उसके साथ ही कोरोना वैक्सीन का अभियान है उसको आगे और कैसे गति दी जाए ताकि जो थर्ड वेव की संभावना जताई जा रही है उसको कैसे रोका जा सके। जी बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।